अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एक नई सुबह के साथ आज के दिन का आगाज़ करते हैं। यहाँ दोपहर का टाइम था तो मैं नाश्ता वगैरह करने के बाद यहाँ पे मैं फ्री हो चुकी थी, और फिर मैं ऊपर गई हुसैन को लेके। वो ज़रा तंग कर रहा था, उसको मैंने चेंज करवाया। उसके बाद उसको सला के जब मैं किचन में आई तो मैंने किचन को साफ़ कर लिया था, और चिकन और फिश ना धो के रखनी थी। तो यहाँ पे जी मैंने वो दोनों चीज़ें धो के रख दी। फिर हुसैन ना नीचे ही, उसको मैंने सला दिया था। तो फिर मैं ऊपर आ गई, मैंने कहा कि तब तक तू ना रूम साफ़ कर लिया जाए। तो यहाँ पे मैंने ना कमरे में ही उसका मुँह हाथ धोया था, तो हर चीज़ यहीं पे पड़ी थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। तो इसलिए मुझे था कि पहले वो सो जाए, फिर उसके बाद मैं बाकी का सारा काम कर लूँगी। यहाँ मैंने फिर आते ही पहले रूम के ना पर्दे पीछे किए, सारी खिड़कियाँ खोली। खोलने के बाद मैंने बेडशीट मैंने सोचा सेट कर लूँ पहले। फिर मैंने बेडशीट सेट की सारी बिछा के, फिर उसके बाद मैंने जी जो कल कपड़े धोए थे फिर वो मैंने सारे फिर तय करने थे। यहाँ बेडशीट सेट हो चुकी थी, मैंने ना एक चादर कल वॉश की थी, वो मैंने सोचा कि तय लगा दूँ पहले। वो मैंने तय लगा कर रखी, तो साइड टेबल का एक कैबिन जो है ना वो मैंने बेडशीट्स को लगाया हुआ है। मैं वहाँ सारी बेडशीट कटी करके रख देती हूँ। तो जब मैं बेडशीट रखने आई तो फिर मैंने जो बेडशीट बाकी और जो कोई हुसैन की एक दो भी छोनी है ना वो सब ना पे मुझे ना मैसी सब लग रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना साथ कुछ तैक लगा के अच्छी तरीके से मैं ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँ। तो फिर मैंने सारा कुछ निकाल लिया बाहर, इसको पहले साफ़ किया, उसके बाद मैं यहाँ पे सारी चीज़ें सेट करके रख दूँगी, सारी बेडशीट। फिर मैंने ऊपर दराज खोला तो इसके खिलौने वगैरह मैं रखती हूँ, और वो जो एक्स्ट्रा की चीज़ें थी वो सारी मैंने निकाली, और दराज को मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिया। एक तरफ की साइड टेबल बिल्कुल नीट एंड क्लीन मैंने कर दी थी। कपड़े मैंने फिर सारे बेड पर रख लिए। एक कपड़े धो लें तो फिर इनको समेटने का होता है कि हम लोग सेट कर लें, साथ ही दूसरे दिन तय वगैरह लगा कर तो फिर कमरे से ये भी समेटी करनी पड़ती है। उतनी देर को हुसैन जी उठ गया था, फिर मैं उसको नीचे से ना ऊपर ले आई कमरे में, मैंने पास बिठा लिया। यहाँ कपड़े ना सारे तय लग चुके थे, लेकिन उसने कपड़े तय लगे रहने नहीं दिए। उसने इधर मैंने बास्केट में ना जो थोड़े से कपड़े गीले थे तो मैंने वो रखे थे, उसने वो ये बास्केट उठा के इधर से सारे वो भी कपड़े बेड पे फेंक दिए। जो कपड़े मैंने तय लगाए थे वो मैं रख रही थी, तो पीछे जब मुड़ के देखा तो जनाब ने जो तय किए अपने कपड़े थे सारे बिखेर दिए। और यहाँ टोकरी भी उठा के उसने कोशिश की कि जो काम मैंने मम्मा ने मेरी ने समेटा है मैं वो भी उसका थोड़ा सा बढ़ा दूँ। यहाँ उसने ना टोकरी भी उठा के तो सारी वो भी कपड़े टोकरी में से निकाल दिए बाहर। तो इधर जी ये अपनी मीनाकारियाँ करने लगा हुआ था, मैंने भी फिर सोचा कि लगा रहे अब ये है कि अब टोकरी में ना कोशिश कर रहा था कि मैं वापस डालूँ। फिर मैंने इसको साइड में बिठा के तो ये भालू पकड़ा दिया कि इसके साथ चले खेल ले, मैं फिर पास से जल्दी जल्दी इसे करे सारे कपड़े उठा लूँ। तो अब ये मेरी तरफ़ देख रहा था। उसके बाद मेरा जी प्रोग्राम था कल अम्मी की तरफ जाने का, फिर उसके बाद मैंने कोई व्लॉग तो नहीं बनाया। फिर इधर आप मेरा ड्रेस देखें, ये अम्मी ने मुझे बनवा के दिया था। तो यूँ मैंने बाजुओं पे और क्रोशिया अम्मी ने करवा के दिया था, ये बहुत प्यारा बना था सूट, ये उन्होंने ही मुझे रेडी करवा के दिया था। ये मैं यही उनकी तरफ पहन के जाऊँगी। ये हुसैन का जी आउटफिट है, तो मैंने ब्लैक पैंट निकाल दी थी, साथ में इसकी शर्ट थी, और ये मैंने सोचा था कि ये हुड उसको ऊपर से पहना दूँगी। और सामान मैंने पैक कर लिया था, तो इधर हुसैन के कपड़े रख लिए थे, ये मैंने अपना बैग निकाल लिया था। तो इधर मैं जी रेडी हो चुकी थी, आप देख सकते हैं मेरा ड्रेस। उसके बाद कमरा साथ ही मैंने बिल्कुल नीट कर दिया था। जाने से पहले मैं अपना कमरा साफ़ करके बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके ही जाती हूँ। तो फिर हम लोग अम्मी की तरफ आ गए थे कि अब हुसैन को देखें। तो ये जी रिंग देखें बहुत प्यारी लग रही थी, मैंने पहनी थी, तो ये 1 कैरेट की रिंग है, ऐसे लगता है जैसे गोल्ड ही होती है। अब हुसैन इधर बिस्किट इंजॉय कर रहा था। फिर जी मेरी सिस्टर ने बनाई थी चाय, तो मैंने फिर उन लोगों ने भी साथ पीनी थी, साथ वो ले आई थी जी बिरयानी गर्म करके, उन लोगों ने कल बनाई थी, बिस्किट थे। फिर हम लोगों ने शाम के टाइम ये इंजॉय किए।
तो बिरयानी खाने के बाद फिर मैंने चाय पी और हुसैन भी इधर बैठा बिस्किट इंजॉय कर रहा था मेरे पास ही, तो माशाल्लाह से बहुत खुश था। अभी वो ना सो के उठा था तो फिर मैंने उसको इधर पास ही बिठा लिया। ये है मेरी चाय और साथ साथ मैं चाय पी रही थी। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और आगे शेयर करना नहीं भूलना। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।